नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कल दिल्ली में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून गलत नहीं, लेकिन इस कानून के प्रक्रिया में गड़बड़ी है, फिर चाहे वो बिहार हो या गुजरात। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराब पीने वालों से पहले शराब बनाने वालों को पकड़ना चाहिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को दिल्ली में कहा कि शराबबंदी खराब नहीं है, मगर उसे लागू करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी है, फिर चाहे वह बिहार हो या गुजरात। बड़े शराब तस्कर बच जा रहे हैं और गरीब लोग पकड़े जा रहे हैं। जेलों में 70% ऐसे लोग बंद हैं जो आधा लीटर या 250 ग्राम शराब पीते हुए पकड़े गए हैं या अनन्य हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 125 ग्राम या 250 ग्राम पीते हैं उनको नहीं पकड़ना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ब्रेथ इनहेलाइजर भी कभी कभी गलत बताता है, जिससे पकड़ने वाले बदमाशी करते हैं। मांझी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिसमें जीतन राम मांझी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले का भी स्वागत किया। जाति गणना को जरूरी बताते हुए मांझी ने कहा कि अब जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसके पूर्व बैठक में कार्यकारिणी प्रस्तावना दिया गया कि जल्द से जल्द बिहार के बाहर अन्य राज्यों में संगठन की प्रदेश इकाई का गठन करते हुए 20 लाख सदस्य बनाए जाए। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, विधायक अनिल कुमार, ज्योति मांझी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव आदि उपस्थित थे। बीते शुक्रवार को जीतन राम मांझी ने बोधगया स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि आज़ादी की 75 साल के बाद भी मनुवादी विचारधारा की पार्टी का काज अब बिहार में नहीं चलेगा। वैसे मनुवादी विचारधारा की पार्टी की उपचुनाव में करारी हार होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराते हैं वे मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हम लोग अंबेडकरवादी हैं, उनके विचार को अपनाकर भी समाज का कल्याण होगा, इसलिए सभी लोगों को अंबेडकर के विचार को ही अपनाना चाहिए। तो देखिए, बीते दिन दिल्ली में हुए हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया कि जो भी शराबबंदी कानून लागू की गई है, फिर चाहे वो बिहार हो या फिर चाहे वो गुजरात हो, शराबबंदी कानून गलत नहीं है, लेकिन इस कानून की जो प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी है। 250 ग्राम या आधा लीटर पीने वाले आम लोगों को पकड़ने से बेहतर होगा जो इसके कारोबारी हैं, जहां शराब बनती है, उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए और उन लोगों पर ही रोक लगाई जाए। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।